जी आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। काम की बात, कभी भी एक दिन भी सरकार की बधाई नहीं, मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा मैंने भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। तो घटना के बाद आती है लिपापोती कर देती है, डेड बॉडी दे देंगे हम, उसको जला देंगे। आज हमने कानून बना दिया विधानसभा में, शर्म नहीं आता। जो आक्रोश के अंदर ये लोग यदि दाह संस्कार आक्रोश में नहीं कर पाए कि साहब हमें न्याय नहीं मिला, इनको 5 साल की सजा कर दोगे, कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता, कोई किसी को मार दे कुछ बोल नहीं सकता। आज आप किसी बात को प्रोटेस्ट कैसे कानून बना रहे हैं? कानून तो जो आपके पास उनके खिलाफ काम करना चाहिए था। आज ये लोग ये सारे के सारे लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया विधानसभा में कि सारे लोग जेल में गए। देखिए महिलाएं हमारे रफड़देश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर वन है। राजेंद्र गुटा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख के रिपोर्टें बोल रही है कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही, और किसी के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसके अंदर ये स्थिति है। राजेंद्र गुड्डा का महिला अत्याचारों को लेकर परसों विधानसभा में बताऊंगा क्या होगा, पूछूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री से, पट्टी बांध के पांव के बैठे हैं, एक छोटी पांव की पट्टी बांध के बैठे मुख्यमंत्री जी, बेटियां सुरक्षित नहीं है। गहलोत साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बात को इस मामले में सुधार करना चाहिए था, उनको इस ध्यान देना चाहिए, ऐसे एलिमेंट है, ऐसे अपराधी है, लेकिन इनको तो काम ही था, पुलिस को तो मंथली लेने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा, सारे आम सरे आम दारू बिक रही है, सरे आम, और ये सारी की सारी अवैध दारू के रूट पुलिस एस्कॉर्ट करती है। पुलिस का काम ही है पिकअप से पैसे ले लो, मोटरसाइकिल वालों से पैसे ले लो, मुकदमे के FIR दर्ज करने के पैसे, नाम काटने के पैसे, चालान करने के पैसे, और इनका पेट ही नहीं भरा, कीड़े पड़ेंगे। क्या होगा विधानसभा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1-to-1 जवाब मांगूंगा यदि हाँ विधानसभा में आएंगे तो, और परसों विधानसभा में जाके जिस तरीके से बोलूंगा सबको, क्या कर रहे हो? राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता, महिलाओं के माता और बहनों में सुरक्षा का भाव पैदा करो, उससे क्या होगा? ये किसी को मंत्री बना दिया, किसी को हटा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।